यहाँ कैसे? वो अंकल ने इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया है, तो उसी सिलसिले में आना पड़ा। हाँ, लेकिन उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? क्या हो गया भाई? शादी के बाद मैं इस पुराने इंटीरियर में तो नहीं रहूंगी ना? ओह हाँ, ओह आई एम सो सॉरी, आई कंप्लीटली फॉरगॉट के घर का बात बनने वाले हो माशाल्लाह से। मैंने ये फैसला किया है बाबा कि मैं नदीम से शादी के बाद इसके अपार्टमेंट में रहूंगी, इस घर में नहीं। ये फैसला यूं अचानक? क्योंकि जब नदीम के पास अपना अपार्टमेंट है, उसका अपना घर है, तो मैं शादी के बाद यहाँ क्यों रहूं? और तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि ये अपार्टमेंट जो है वो मेरी फ्रेंड का है और वो किसी भी वक्त वापस आ सकती है। ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अगर वो फारूक अंकल घर दामाद वाली बात ना करते तो फिर? तो भाई उस वक्त मैं तुम्हारे लिए कोई अपार्टमेंट ले लेती ना, फर्निश्ड अपार्टमेंट भी तो मिलते हैं। और उस दिन भी जब यसरा ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उसकी जायदाद में इंटरेस्टेड हूँ, तो तुम्हारे कहने पे मैंने कह दिया था नहीं। जबरदस्ती कहलवाया तुमने मुझसे ये। इतनी मुश्किल बात? मेरे लिए तो मुश्किल है। तो फिर ना कर। नहीं, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि ना करूं। पता नहीं तुम आइंदा मौका दो कि ना दो। वो मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। तुझे पता है तेरे दिल।